सेक्शन 37 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग द आउटगोइंग पार्टनर इज एंटाइटल टू इंटरेस्ट और शेयर इन प्रॉफिट, तो उसको इंटरेस्ट और शेयर इन प्रॉफिट मिलेगा। अगर इन्होंने आपस में म्यूचुअली डिसाइड किया है कि इन्हें इंटरेस्ट और शेयर इन प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा तो नो अमाउंट विल बी पेबल। और अगर इनके बीच में कोई भी अग्रीमेंट नहीं है, फर्स्ट पॉइंट में कहते हैं कि अगर अग्रीमेंट है इंटरेस्ट और प्रॉफिट का, मींस अगर अग्रीमेंट है कि इंटरेस्ट और प्रॉफिट दिया जाएगा तो मिलेगा, अगर इन्होंने अग्री किया है कि कुछ नहीं दिया जाएगा तो नो अमाउंट विल बी पेड। सेकंड पॉइंट कहते हैं अगर कोई भी अग्रीमेंट नहीं हुआ तो क्या होगा, व्हेन देयर इज़ नो एग्रीमेंट द आउटगोइंग पार्टनर और हिज रिप्रेजेंटेटिव हैज़ द चॉइस, उसके पास ये दोनों चॉइस होती हैं कि या तो वो अपने जो बैलेंस अमाउंट है उस पर 6% इंटरेस्ट ले, या फिर उसके आउटगोइंग यानी जाने के बाद जो प्रॉफिट होता है उसमें वो प्रोपोर्शनेट अमाउंट ले टू हिज अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग टोटल कैपिटल। तो ये कैसे निकालते हैं हम शेयर इन प्रॉफिट, जैसे आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर को हम न्यूमरेटर में लिखेंगे, डिवाइडेड बाय करेंगे कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स इंक्लूडिंग द आउटगोइंग पार्टनर मल्टीप्लाइड बाय द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। सो इन दोनों ऑप्शंस में से जो भी ग्रेटर होगा तो पार्टनर उसको या फिर आउटगोइंग पार्टनर उसको चूज कर सकता है। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे 3 पार्टनर्स थे, लाल बाल पाल, इनका 432 प्रॉफिट था। पाल की डेथ होती है 1 जुलाई को, तो आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट तीनों की कैपिटल 75, 65 और 45 होती है। लाल और बाल जो है बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं फॉर 6 मंथ विदाउट सेटलिंग द अमाउंट ऑफ पाल, यानी कि पाल की बिना पेमेंट करे उसको जो पेमेंट मिलनी थी 45,000 की, उसकी पेमेंट उन्होंने नहीं करी है और बिजनेस 6 मंथ तक कंटिन्यू किया है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ एंडेड 31 मार्च 2020 फर्म को प्रॉफिट हुआ है 50,000। इसका मतलब क्या है, हमने पाल को पेमेंट नहीं करी है 45,000 की, वो उसकी डेथ हो गई थी, आउटगोइंग पार्टनर है वो, और उसकी डेथ के बाद फर्म ने 50,000 का प्रॉफिट अर्न किया है। तो हमसे 2 ऑप्शंस पूछे गए हैं कि पाल के एग्जीक्यूटर के पास सेक्शन 37 के अकॉर्डिंग कौन कौन से ऑप्शन होंगे और वो उसे कौन सा ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहिए यानी चूज़ करना चाहिए। तो पाल्स एग्जीक्यूटर हैज़ द 2 ऑप्शंस, उसके पास 2 ऑप्शन होंगे। फर्स्ट ऑप्शन है कि जो उसका बैलेंस अमाउंट है वो उस पर 65% इंटरेस्ट ले, सो उसका बैलेंस अमाउंट 45,000 था और वो जुलाई में उसकी डेथ हुई है यानी 31 मार्च 2021 तक 6 मंथ पे उसको 6% इंटरेस्ट मिलेगा जो कि 1350 होगा। या फिर उसके पास सेकंड ऑप्शन ये है कि जो फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है 50,000 का, उस प्रॉफिट में उसको उसकी कैपिटल के अकॉर्डिंग शेयर मिले, तो उसकी कैपिटल 45,000 है और टोटल फर्म की एडजस्टेड कैपिटल तीनों पार्टनर की 1,85,000 है, तो उसके अकॉर्डिंग 50,000 में उसका शेयर 12,162 है। तो फर्स्ट ऑप्शन में उसको 1,350 मिल रहे हैं और सेकंड ऑप्शन में 12,162, सो बेटर ऑप्शन सेकंड है बिकॉज हेयर ही इज़ गेटिंग मोर अमाउंट।